कहते हैं कि मुझे तो इसे अपने पास बुलाना है, तब भगवान बलि को आवाज लगाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। देखिए, सुनिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार पात्र में कोई भी पैसे धन नहीं डालेंगे। सबसे निवेदन है, ये एक लीला है कि वो भिक्षा पात्र लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम भगवान को कुछ दे सके। तो सबसे निवेदन है, सिर्फ दर्शन करे दूर से, उनके भिक्षा पात्र में कोई कुछ भी ना डाले। Oh,
और भगवान कहते हैं कि आज दान करने में सकुचाना नहीं। भगवान ने कहा आज लुटा दे रे सर बस अपना मान ले कहना मेरा। बुलाते हैं। बलि ने कहा कहिए क्या चाहते हैं आप। अरे आज तो मन करता है कि अपनी सारी चीजें लुटा दो, सब कुछ दान कर दो। ठाकुर जी ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पहले तो वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे। राजा ने कहा अरे वचन की कोई जरूरत नहीं, आपको जो मांगना है आप मांगिए। मैंने कहा तो आज मन करता है सब कुछ लुटा दो। बोले नहीं पहले वचन। राजा ने कहा ठीक है मैंने वचन दिया, आप जो मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, बस 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि मतलब 3 पैर। राजा हंसने लग जाते हैं। राजा ने कहा एक तो आप खुद छोटे से, आपके पैर छोटे छोटे, 3 पग भूमि में क्या मिल जाएगा। अरे आप कहो मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान कहते नहीं हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी को बात थोड़ी अटपटी लग रही है, बार बार 3 पग भूमि 3 पग भूमि। उन्होंने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करते ही साक्षात परम पिता परमेश्वर सामने खड़े हैं। अरे शुक्राचार्य जी कहते हैं मना कर दो, वचन से पीछे हट जाओ, ये विष्णु हैं। अरे 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा ये। बलि ने कहा अब तो वचन दे दिया, और इससे बड़ी बात क्या होती है कि भगवान मेरे दर मांगने आए हैं मुझसे कुछ। अरे दी मैंने 3 पग भूमि। ये बात कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। दो ही पैरों में सब कुछ मिल गया। भगवान कहते अब तीसरा पैर कहां रखूं। बलि ने कहा एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा, बताओ कौन बड़ा, दान बड़ा कि दानी बड़ा। दानी बड़ा। तो राजा बलि कहते तीसरा पैर मुझ पर रखो। और
भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। बलि बाबर भगवान की। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो लोग 14 भुवन देवताओं को वापस करते हैं। अब कथा आती है इक्ष्वाकु वंश के बारे में। इसमें राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश की छोटी सी कथा है। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो एकादशी का व्रत किया करते थे।